गठबंधन में आज से विधानसभा का सत्र। सीएम ने खुद लिया तैयारियों का जायजा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी पूरी। गठबंधन रवाना होने से पहले सीएम हरीश रावत ने समाचार प्लस से बातचीत में कहा कि ये सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हमें अनुपूरक बजट के साथ कई विधेयक भी पास करवाने। गठबंधन को राजधानी के तौर पर देखने की इच्छा यहां के लोगों में भी प्रबल है। गठबंधन में पहले ढांचागत तो सुविधाएं नहीं थी, जिसके चलते गठबंधन की राजधानी बनने पर संशय बना रहता। गठबंधन विधानसभा सत्र को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये उत्साह पहाड़ के विकास के संबंधित निर्णयों को लेकर कम है, लेकिन गठबंधन राजधानी के मुद्दे को लेकर लोगों में जबरदस्त है। गठबंधन में विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जय भट्ट ने सरकार पर आरोप लगाया कि गठबंधन को स्थायी राजधानी क्यों नहीं घोषित किया जाता। गठबंधन विधानसभा सत्र आरंभ होने से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन रामलीला मैदान में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गठबंधन में सम्मेलन में अपनी समस्याएं। सीएम हरीश रावत ने कहा कि विपक्ष केदारनाथ में हुए निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की मांग करता है, जबकि केंद्रीय मंत्री कामों की तारीफ कर रहे हैं। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी सरकार ने प्रदेश में कई नए टैक्स और सेस बढ़ाने का फैसला लिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राकेश शर्मा अभी और 3 महीने तक राज्य के मुख्य सचिव बने रहेंगे। सीएम ने राकेश शर्मा की मुख्य सचिव पद पर पुनर्नियुक्ति कर दी। इंडिया वॉर्स के विजेता पवनदीप राजन और उनके परिजनों ने सीएम हरीश रावत से मुलाकात की। सीएम ने पवनदीप को बधाई दी। हरीश रावत ने बीजापुर गेस्ट हाउस से कांग्रेस के प्रचार के लिए वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करेगी। श्रीनगर पौड़ी में गंदे पानी की सप्लाई से परेशान लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। पिछले काफी समय से श्रीनगर पौड़ी में जल संस्थान द्वारा गंदे पानी की सप्लाई की जा रही। मृतक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी राज्य का पलायन नहीं रुक पाया है। वर्तमान में आधुनिक दौर में जहाँ लोगों को शिक्षा रोजगार के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, वहीं राज्य की सरकारें पलायन रोकने में नाकाम। दून अस्पताल में स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। यहां इलाज के नाम पर लोगों से मोटा पैसा वसूला जाता है। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के बैंक खाते से जालसाजों ने साइबर क्राइम को अंजाम देते हुए 20 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए। रुद्रपुर से 11 किलोमीटर दूर बसे प्रतापपुर गांव में डीएम पंकज पांडे ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। डीएम ने अधिकारियों से समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए कहा है। कोटद्वार में राशन न मिलने से परेशान शिवपुर के ग्रामीणों ने तहसील में जोरदार प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विकासनगर के लाइन जीवनगढ़ के पास हाईटेक अस्पताल पर घुसाए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। अस्पताल के डॉक्टर ने सिपाही को बताया कि उसे पथरी है, लेकिन दूसरी जगह जांच में पता चला कि सिपाही को पथरी नहीं थी। ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर पिथौरागढ़ के थाना कोतवाली प्रभारी गणेश सिंह का एसपी ने तबादला कर दिया। साथ ही यातायात नियंत्रण न कर पाने की शिकायत पर सुल्तान चौकी के प्रभारी को लाइन हाजिर किया। हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने इस साल चाइनीज आतिशबाजी को पूर्ण रूप से बैन करने का फैसला लिया। श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में बिजली कटौती और डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान है। अस्पताल में एक तो डॉक्टर की कमी, दूसरी लगातार बिजली कटौती से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। श्रीमान सीमान क्षेत्र में लगे वन रेंजों को बाघों के संरक्षण के लिए वन कर्मियों को भी आईटेक करने की कसरत शुरू हो गई है। इसके लिए सीमा क्षेत्र के 4 रेंजों के वन कर्मियों को हथियार चलाने व कमांडो को ट्रेनिंग दी जा रही है। साल 2013 की आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए टनकपुर के शारदा घाट का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाएगा। साथ ही 700 मीटर का तटबंध का भी निर्माण होगा। पिथौरागढ़ में लंबे इंतजार के बाद भारत और नेपाल को जोड़ने वाला जलजीवी झूला पुल बनकर तैयार हो गया है। ऋषिकेश में 10 दिवसीय ट्रेड फेयर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 120 से भी अधिक कुटीर उद्योगों से बनने वाली वस्तुओं के स्टॉल लगे। हल्द्वानी में पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने पर प्रशासन अभी तक नाकाम साबित हो रहा है। पर्यटकों की बढ़ती आमद के बावजूद जाम से निजात नहीं मिली।
टिहरी का जिला अस्पताल बौराड़ी में ब्लड बैंक के लिए अलग से बिल्डिंग तो बनाई गई लेकिन उसमें रखी ब्लड बैंक की मशीनें तूफान। पौड़ी में बेलगाम हो रहे बाइकर्स पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया। उत्तरकाशी के बर्णीघाट बाजार में लाखा मंडल जाने वाले पुल के नीचे शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के भाई ने शव की शिनाख्त कर दी। मसूर में अटक उत्तराखंड राज्य काउंसिल का छठवां दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नैनीताल में जिला योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नगर के 10 स्कूल और कॉलेजों के 90 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।